भगवान अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, किंतु इस सर्वव्यापकता का अनुभव एवं प्राकट्य विदुर जैसे अनन्य भक्तों द्वारा ही किया जाता है। हालांकि भगवान सभी तरफ व्याप्त हैं, परंतु हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार से बिजली व्याप्त है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रेजेंट, बट हाउ डू वी एक्सपीरियंस द इलेक्ट्रिसिटी, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बाय द बल्ब। व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन द बल्ब, जब बल्ब जलता है, ग्लो करता है, तब हम इस बात को महसूस कर पाते हैं कि बिजली है यहां पर, अन्यथा बिजली पहले भी है। उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र उपस्थित है, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव सिर्फ विशेष भक्त ही कर पाते हैं, सब कोई नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से बिजली के बल्ब में बिजली की उपस्थिति, सारे तीर्थ स्थल भक्तों के द्वारा परिपूर्ण वातावरण द्वारा मनुष्य की दूषित चेतना को शुद्ध बनाने के निमित्त है। वास्तविक रूप से तीर्थ स्थल का प्रयोजन क्या है? तीर्थ स्थल का प्रयोजन है जहां पर जाकर के हमारी भगवत भावना बढ़े, तीव्र हो, बिकम कंसंट्रेटेड एंड स्ट्रांग, वो तीर्थ स्थल का वास्तविक पर्पस है। और यदि वो पर्पस सिद्ध नहीं हुआ तो फिर एक रिचुअल हो गया, एक घटनाक्रम हो गया। तो वास्तविक रूप से यदि आप देखो, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीला एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, प्रभुपाद जी बौरी में रहे, जो वहां की वैश्याओं का रहने की जगह थी। ऑल द प्रोस्टिट्यूट्स वेयर लिविंग देयर, मोस्ट हॉरिबल प्लेस, जहां पर सारे लोग पूरे भौतिकता के नशे में डूबे हुए थे, कंप्लीटली इनग्रॉस्ड। उन लोगों के बीच में भी जब श्रील प्रभुपाद जी गए तो उन लोगों को उन्होंने भगवत भावना भावित कर दिया, दे बिकेम कृष्णा कॉन्सियस। दिस इज द ग्लोरी, ये वास्तविक तीर्थ है। तीर्थ का अर्थ कि वहां जाकर के आपकी भगवत भावना बढ़ जाए, वो तीर्थ का अर्थ है। और यदि हम तीर्थ में जा रहे हैं पिकनिक करने के लिए, टू एंजॉय समथिंग सो कॉल्ड, दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ तीर्थ। इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मैत्रेय मुनि कहते हैं, हे महाराज विदुर, आप जहां जाते हो वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। वेर एवर यू गो दैट प्लेस बिकम्स ए तीर्थ, दैट प्लेस बिकम्स ए होली प्लेस, बिकॉज यू आर ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द थॉट्स ऑफ कृष्णा, यू आर ऑलवेज परफॉर्मिंग लविंग डिवोशनल सर्विस, एंड नॉट ओनली यू आर परफॉर्मिंग, यू इनकरेज एंड यू इंगेज, आप सभी को उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं भगवत सेवा के लिए। इस प्रकार से वहां का पूरा वातावरण परिशुद्ध हो जाता है, सारे लोगों की चेतना शुद्ध हो जाती है और सारा वातावरण परम पवित्र हो जाता है। इस प्रकार से वो क्षेत्र कितना भी घोर क्यों न हो, कितना भी उग्र क्यों न हो, वो तीर्थ के रूप में बदल जाता है, वो वास्तविक तीर्थ है। जब हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी मायापुर में भजन कर रहे थे, 1 करोड़ भगवान के नाम का जप करने का उन्होंने प्रण किया था, और उनके गुरु महाराज श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज आए, और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा कि आप कलकत्ते जाओ, तो बहुत विचलित हुए, मैं कलकत्ते क्या करूंगा, मैं तो यहां भजन कर रहा हूं,
और कलकत्ता इतनी घोर नगरी है, इस प्रकार के लोग रहते हैं, पूरे भौतिकता में डूबे हुए हैं। Why shall I go there? और तब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने कहा, चूंकि वो लोग भौतिकता में डूबे हुए हैं इसलिए आप वहां पर जाओ, क्योंकि आप उनको भौतिकता से निकाल सकोगे। You will deliver them. वो तो तैयार नहीं है, परंतु आपके जाने पर वहां के लोग भौतिकता से बाहर निकलेंगे और भगवान की तरफ देखना शुरू करेंगे। तो जहां पर वो जाते हैं उस स्थान को तीर्थ बना दिया, इसलिए आज कलकत्ता इतना बड़ा तीर्थ है। हालांकि आपके ट्रेडिशनल मैप में नहीं दिखेगा, परंतु वहां पर हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, उनके बचपन की लीलाएं हैं, उन्होंने वहां पर कॉलेज गए, स्कूल गए, वहां पर उनका मंदिर है, जिस राधा गोविंद मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी बचपन में जाते थे और पूजा करते थे। इस फादर वॉज लिविंग देयर। और इस प्रकार के भक्त जहां रहते हैं उस स्थान को तीर्थ में बदल देते हैं। इसलिए इस विषय को मुख्य रूप से समझने का प्रयास कीजिए, तीर्थ वो स्थान है जहां पर जाकर के भगवत चेतना में वृद्धि हो, तीव्रता हो। यदि यह नहीं हो रहा तो वास्तविक रूप से तीर्थ यात्रा भ्रम है, जैसा कि अभी चर्चा की गई। तीर्थ यात्रा पर जाकर के पवित्र नदियों में स्नान करना या मंदिरों में दर्शन करना, यह एकमात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए। वहां जाकर के विदुर जैसे महात्माओं की खोज करनी चाहिए। दो सेल्फ रियलाइज सोल्स हु आर एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा, ठीक है, दिस इज द रियल पर्पस। और इसलिए हम क्या होता है, अक्सर भक्तों के संग में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, सो दैट दिस एसोसिएशन इज ऑलवेज देयर, कंसंट्रेटेड एसोसिएशन, कंसंट्रेटेड एसोसिएशन, एंड आवर माइंड फुल्ली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन दैट। दैट इज द पर्पज ऑफ तीर्थ यात्रा। जिनके जीवन में भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, भगवान सदैव ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं, क्योंकि उनके अनन्य सेवा सकाम कर्म या व्यर्थ चिंतन से प्रभावित नहीं होती। देयर कॉन्शियसनेस इज नेवर पॉल्यूटेड बाय दीज फ्रूटिव एक्टिविटीज। भगवान सदैव ऐसे भक्तों के साथ रहते हैं, वे सदैव श्रवण कीर्तन द्वारा जुड़े रहते हैं। लाइक ए बेबी, एक बालक अपनी माता से जुड़ा हुआ रहता है पेट में। कैसे जुड़ता है? बाय द अम्बेलिकल कॉर्ड, एक नलिका के द्वारा वो कनेक्टेड है मां से, राइट। उसी प्रकार से भक्त गण भी भगवान से कनेक्टेड रहते हैं। वो कनेक्शन है श्रवण कीर्तन और सेवा का। दिस इज हाउ वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड। जिस प्रकार से उस नलिका के द्वारा सारा पोषण मिलता है बच्चे को, ऑल द न्यूरिसमेंट ही विल गेट थ्रू दैट कॉर्ड, अम्बेलिकल कॉर्ड। सिमिलरली बाय दिस श्रवण कीर्तन एंड स्मरण we are getting complete nourishment, everything we need to sustain our spiritual life. This is our life, this is our secret. अतः एक जो भक्त है वो सदैव इन कार्यों में absorbed रहता है, ये मुख्य है। This is more important. जब His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी अपने अनेक शिष्यों को लेकर के वृंदावन गए और वृंदावन में प्रवचन कर रहे थे गोवर्धन जी पर, और फिर उन्होंने प्रवचन के बाद सुबह 3.5 घंटे प्रवचन करने के बाद कहा, अभी 2 घंटे का समय है, 3 घंटे का गैप है,
और जो जहां जाना चाहते हैं दर्शन के लिए जा सकते हैं। और कुछ देर के बाद अधिकांश शिष्य लोग उठ करके अलग अलग जगह पर दर्शन करने के लिए चले गए, परंतु हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहे और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने पूछा, आप कहीं नहीं गए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे को कोई इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता हूं। और प्रतिदिन हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी वहीं बैठे रहते थे। और तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहा, ये अभय बाबू ये प्रमाणिक है और ये जो कुछ बोलते हैं जो कुछ लिखते हैं उसको बिना एडिटिंग किए हुए छाप दो। उस दिन कहा उन्होंने, बिकॉज ही सॉ दिस सिंसियर डिजायर ऑफ हियरिंग फ्रॉम द लिप्स ऑफ गुरु, गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरियाक्य। इस गुण के कारण, इस गुण को देख करके भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने हृदय पूर्वक उनको आशीर्वाद दिया। यह है तीर्थ यात्रा। क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है कि हम कुछ दर्शन कर सके, गुरु का कृपा से वो आंख मिलती है, वो दृष्टि मिलती है। और वास्तविक रूप से इस बात में हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए और हमारा रियलाइजेशन होना चाहिए, हियरिंग दीज वर्ड्स दिस इज व्हाट विल इंस्टिल, इससे हमारे हृदय के अंदर भक्ति स्थापित होगी और बढ़ेगी। शुद्ध भक्त श्रवण कीर्तन तथा लेखन करते हैं। व्यास देव एवं नारद का उदाहरण दिया गया, सुखदेव गोस्वामी और व्यास देव जी का, किस प्रकार से व्यास देव जी के साथ श्रवण करके सुखदेव गोस्वामी जी ने, फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित को यह भागवत सुनाई। यह है भागवत की परंपरा, श्रवण कीर्तन श्रवण कीर्तन। ऐसे भक्त अपने कार्यों से किसी भी स्थान को तीर्थ में बदल सकते हैं, तीर्थ भी उनके कारण सार्थक और पवित्र होते हैं। जब माता गंगा ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मैं इस पृथ्वी लोक में जाकर के क्या करूंगी, लोग आकर के अपने सारे पाप को मेरे अंदर धो करके चले जाएंगे, आई विल बी फुल ऑफ सिनफुल एक्टिविटीज, आई विल बी फुल विद द सिनफुल एक्टिविटीज, तो मेरी कोई रुचि नहीं है इस पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए। तब भगवान ने कहा, आप डरो मत, मेरे प्रिय भक्त वैष्णवगण शुद्ध भक्त आएंगे और वो जब आप में स्नान करेंगे तो आपके सारे पाप हर करके ले जाएंगे, इस प्रकार से आप सभी पाप से मुक्त हो जाओगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध भक्त हैं, ब्रह्मांडे तारिते शक्ति धरे जने जने, दे कैन डिलीवर द होल यूनिवर्स, व्हाट टू स्पीक अ स्मॉल ट्रैक ऑफ लैंड। इसको समझने की आवश्यकता है। जब हमारी आध्यात्मिक बुद्धि शून्य हो जाती है तो हम तीर्थों की तरफ देखते हैं। तीर्थों की तरफ देखना गलत नहीं है, परंतु पहले इस सिद्धांत को समझिए, पहले इस सिद्धांत को समझिए। भगवत भावना वास्तविक रूप से मूल सिद्धांत है। हाउ टू इंक्रीज, हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस, दैट इज अ साइंस, ये एक विज्ञान है। एंड दिस साइंस हैज टू बी लर्न्ड, इसको सीखने की आवश्यकता है एक प्रमाणिक गुरु के निदर्शन में। यस आई एम रेडी, प्लीज टीच मी। वे दूषित वातावरण को पवित्र करने में समर्थ होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने सभी जगह सारे प्रदूषण को तुरंत समाप्त कर दिया। इस बात का आप अनुभव कर सकते हो, उनके शिष्यों से जब
हम प्रभुपाद जी के व्यास पूजा और तिरोभाव के दिन जब हम उनसे सुनते हैं, आजकल तो कम लोग बोल रहे हैं, पहले एक समय था जब बहुत सारे शिष्य लोग बोलते थे और मैं ध्यान से सुनता था और इस बात को अनुभव कर पाता था, अनुभव एक्सपीरियंस, कि उस समय कैसा वातावरण रहा होगा, व्हाट टाइप ऑफ मूड इट वाज। आप उन वीडियो में देख करके समझ सकते हो, एवरी वन इज फुल ऑफ सो मच ऑफ एनर्जी एंड जॉय बाय द प्रेजेंस ऑफ श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की सिर्फ उपस्थिति मात्र से, ठीक है। तो यह है वास्तविक तीर्थ। भीष्म देव एवं विदुर पांडवों के संरक्षक थे और धृतराष्ट्र उन्हें पांडवों के प्रति पक्षपाती मानते थे, क्योंकि वे सदा उनके प्रति दयालु थे और वे जानते थे कि धृतराष्ट्र के मन में कुटिलता है। He is shrewd. He tries to harm them. धृतराष्ट्र चाहते थे कि इनका पूरी तरह से अंत हो जाए, जिससे कि मेरा जो पुत्र है दुर्योधन, वो सारे राज्य का एकमात्र राजा बने। इसलिए ये दोनों उनकी तरफ सदैव बहुत ही दयालु थे और उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करते रहते थे। इसी कारण से जब वारणाव्रत में धृतराष्ट्र ने इतना बड़ा महल बना करके, वो लाख का महल बनाया उसने, जिसको मालूम नहीं पड़ सकता था किसी को, और वो अद्भुत रूप से सुंदर था, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं उसमें थी, और उनको कहा कि आप थोड़े दिन के लिए वहां पर रह करके आइए, यू प्लीज एंजॉय हॉलीडेज, एंजॉय हॉलीडे, इट इज अ ग्रेट रिसोर्ट आई हैव मेड फॉर यू, और उसे चाबी उनके हाथ में दी। और वो जब जाने वाले थे तो विदुर महाराज ने इशारे में उनको समझाया, कोई एक ऐसा हथियार, एक ऐसा अस्त्र जो लोहे का नहीं बना, किसी धातु का नहीं बना, फिर भी इतना तेज हो सकता है कि वो किसी के प्राण ले ले। युधिष्ठिर महाराज इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए। फिर थोड़ी देर बाद विदुर महाराज ने इनडायरेक्टली कहा, आत्मा जल नहीं सकती, परंतु शरीर जलाया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो आत्मा की रक्षा करता है, क्योंकि आत्मा शरीर के अंदर है। युधिष्ठिर महाराज इनसे उनका इशारा समझने में सामर्थ्यवान हुए। कुंती माता ने पूछा, विदुर क्या कह रहे हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, ठीक है, आप धैर्य रखिए, मैं बताऊंगा। हम जहां जा रहे हैं वहां पर आग से जलाए जाने का खतरा है। और विदुर महाराज ने उनको इस बात की चेतावनी दी और फिर उन्होंने वो सुरंग बनाई जिसके द्वारा वो रात को निकल सके। तो इस प्रकार से विदुर महाराज ने सदैव उनकी रक्षा के लिए प्रयास किया। और जब युद्ध प्रारंभ हो रहा था तो विदुर महाराज ने वहां से प्रस्थान कर लिया। ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट फाइट, दैट वॉर, बिकॉज ही लव्ड बोथ ऑफ देम। और वो जानते थे कि ये विनाशकारी है, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि कोई समझने वाला नहीं है यहां पर। उन्होंने दुर्योधन को समझाने का इतना प्रयास किया, ऑनेस्ट प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने उनको इतना लज्जित किया, सारे लोगों के सामने उनको शूद्र पुत्र कह के कहा, हे चाचा, यदि आप चाचा नहीं होते तो मैं आपकी अभी हत्या करने में समय नहीं लगाता था। अच्छा है कि आप मेरी आंखों के सामने से जल्दी चले जाएं। एंड देन ही लेफ्ट द प्लेस इमीडिएटली। वो तीर्थ यात्रा के लिए निकले। वास्तविक रूप से उनका तीर्थ यात्रा सार्थक है, क्योंकि वो जहां जाते हैं वो स्थान ही तीर्थ बन जाता है। और उनका प्रयोजन क्या था उनके जीवन से, कल जैसे हमने सुना, यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग, वो मैत्रेय मुनि से तब तक प्रश्न करते रहे, अपनी जिज्ञासा करते रहे, जब तक मैत्रेय मुनि ने उनको सारे शास्त्रों के सार के रूप में
एक विषय को स्पष्ट कर दिया कि भगवान की प्रेममयी सेवा ही जीवन का सर्वोत्कृष्ट अंग है. इज द ओनली परफेक्शन ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ. व्हेन मैत्रेय मुनि ने जब इस प्रकार से उनको आश्वस्त किया पूरी तरह से, तब उन्होंने अपने प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना बंद किया. टिल देन ही वॉज कॉन्स्टेंटली इंक्वायरिंग अबाउट दिस ग्रेट सीक्रेट. सो वी शुड बी वेरी सिंसियर. हम सब का सदैव पूरा ध्यान इसी पर होना चाहिए कि हम भक्तों का संग करें और विशेष रूप से भक्तों की कृपा प्राप्त करें. और कृपा प्राप्त करने के लिए ये महीना दिसंबर का महीना है, और ये दिसंबर का महीना श्रील प्रभुपाद जी ने मैराथन का महीना कहा है. और श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य पुस्तकें, ये साहित्य, ये ज्ञान लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का भार, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है. सो कृपा करके सारे